हेलो एवरीवन, वेलकम टू म्यूजिक अकेडमी। माय सेल्फ कॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट आवर केमिस्ट्री लेक्चर फॉर क्लास 11, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो इन स्टेट्स ऑफ मैटर हमें लर्निंग आउटकम्स क्या लिए हैं, आज हमें इस तरह क्या करना है, गैस लॉज के बारे में स्टडी करनी है, यानी कि हम स्टडी करेंगे चार्ल्स लो, गेम्स लो, अवोगैड्रो लो एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो इससे पहले हम बॉयल्स लॉ भी कर चुके हैं, तो आप हमारी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा बॉयल्स लॉ क्या होता है। सो ये सब जो लॉ है, ये एक रिलेशन बता रहे हैं वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स में, किस तरीके से अगर प्रेशर को हम चेंज करते हैं तो वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, और टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम और प्रेशर में क्या चेंज। तो एक बार मैं फिर भी आपको बता दूँ कि जो हमने लास्ट किया था बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का जो रिलेशन है वो है हमारा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हमने कब किया है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और फिक्स मास ऑफ गैस, ठीक है, फिक्स मास ऑफ गैस। तो ये हम कर चुके हैं, तो चलिए आज हम स्टडी करते हैं चार्ल्स लॉ एंड गेम्स एट लॉ। So let's start with that. So Charles Law जो है वो दिया गया था in 1787, ठीक है, 1787 में French scientist थे जिनका नाम था Charles scientist, complete name है Jacques Charles. So इन्होंने बताया, Jacques Charles scientist ने बताया एक relation है, वो भी किसके बीच में है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो चार्ल्स लॉ में एक रिलेशन फाइंड किया गया बच्चों, जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, तो हम इसे बोलते हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप। सो इसके स्टेटमेंट क्या है, चार्ल्स लॉ में एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हमें यहाँ पर प्रेशर कॉन्स्टेंट रखना है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज increases or decreases by 1/273 part, इतना part जो है वो increase होगा या फिर decrease होगा, of its volume at 0 degree Celsius for each 1 degree rise or fall in temperature. चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए अब इस definition के according आपको क्या समझ आ रहा है, क्या चार्ल्स लॉ में बताया गया है, इसमें relation find किया गया volume or temperature, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन है। इसका मतलब है प्रेशर जो है वो फिक्स है, यानी कि कॉन्स्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स जो कि गिवन मास ऑफ गैस, जो हमने गैस की है वो हमने फिक्स कर दी, तो वो भी फिक्स। तो देखिए इससे पहले हमने जो बॉयल्स लॉ किया था वो रिलेशन था इन दोनों के बीच में, तो वो इनडायरेक्टली था, इनवर्सली। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है वॉल्यूम और टेम्परेचर में, तो ये कैसा है, डायरेक्टली रिलेशन, ठीक है। इसका मतलब है इस रिलेशन से आपको ये समझ आ रहा है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो देखिए इसकी क्या स्टेटमेंट है, इसे समझते हैं, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, तो चलिए समझिए, लेट इनिशियल वॉल्यूम इज वी मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर गिवन मास ऑफ, हमने गैस जो है वो एक फिक्स कर ली है, तो इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट एंड फाइनल वॉल्यूम वी टी एट 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 डिग्री सेल्सियस के लिए कोई भी एक टेम्परेचर लिया है उस पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है, वी टू फॉर सेम गिवन मास ऑफ गैस। सो नाउ चार्ल्स लॉ में स्टेटमेंट के थ्रू क्या बताया गया है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो हमारा प्रेशर जो है हमने वो टी जो है वो कॉन्स्टेंट कर दिया, तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्योंकि इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझिए, अगर डेफिनेशन आपको समझ आ जाती है तो जो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कैसे ये डेफिनेशन बनी। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इंक्रीज और डिक्रीज, वो इंक्रीज हो रही है, कितना पार्ट, 1/273 पार्ट। तो चलिए इसको लिखते हैं फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हम राइज कर लेते हैं, फॉल वैसा ही होगा,
अगर 1 डिग्री हम राइज करते हैं टेम्परेचर का, तो वॉल्यूम कितनी इंक्रीज होगी? क्योंकि देखिए वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है अगर हम क्या करते हैं, इतना पार्ट जो है 1 डिग्री वाला राइज कर, ठीक है? तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, कितना पार्ट इंक्रीज होगी? 1/273 पार्ट इंक्रीज होगी अपने वॉल्यूम का, कब? 1 डिग्री राइज। सो फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम विल बिकम, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। कितना इंक्रीज होगा? वो इंक्रीज होगा इनिशियल वॉल्यूम का। इनिशियल वॉल्यूम कितनी लिया हमने? 0। इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 पार्ट। समझाया यहाँ पर कि 1/273 पार्ट जो है वो इंक्रीज होना है। कब वो 1/273 पार्ट इंक्रीज होगा? जब हम लेंगे इनिशियल, ठीक है? तो इनिशियल वॉल्यूम के साथ 1/273 पार्ट इंक्रीज होगा। अब उसके बाद चलिए, अब वो एग्जांपल हम 1 डिग्री कर लिया, हमने 2 डिग्री राइज करेंगे। 2 डिग्री राइज करेंगे तो क्या होगा? वी नॉट होगा, 1/273 पार्ट होगा। तो 2 डिग्री के लिए तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 डिग्री के लिए है तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही अगर 3 डिग्री के लिए निकालेंगे हम, तो सेम क्या करेंगे? वी नॉट इंटू 1/273 इंटू 3 डिग्री, ठीक है? ये बात समझ आई कैसे? कि हर एक एक डिग्री के लिए हम उसको बढ़ाते जा रहे, तो 3 डिग्री आ जाएगा, तो उसका टी टाइम्स हो जाएगा, टी गुना हो जाएगा, तो ये पार्ट आ जाएगा वॉल्यूम का। ये तो इंक्रीज पार्ट, हम क्या लिख रहे हैं? वॉल्यूम इंक्रीज। तो ये तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई, ठीक है? इनिशियल वॉल्यूम जो थी वो तो वी नॉट थी, और इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुई, यानी कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर 1 से 2 से 3 से 50 से टी डिग्री तक पहुंचे, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गई। इनिशियल वॉल्यूम है वो वी नॉट से चेंज होकर कितने पहुंच गई है? वी नॉट इंटू 1/273 इंटू 3 डिग्री, इतना पहुंच गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ? फाइनल वॉल्यूम क्या हुई? वॉल्यूम जो है इनिशियल से इतना पर आ गई, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या है? इतना इंक्रीज हुआ। सो फाइनल वॉल्यूम पीटी, पीटी क्या होगा? इनिशियल प्लस जो इंक्रीज हुआ, ये इनिशियल है और ये इंक्रीज पार्ट, ठीक है? ये क्लियर होना चाहिए आपको, ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये इंक्रीज पार्ट। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगी? इनिशियल वॉल्यूम प्लस इंक्रीज पार्ट। तो वी नॉट इंटू 273 इंटू 3 डिग्री, ठीक है? अब इसमें देखिए हम इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत इजी से समझ आ जाएगा। वी नॉट हम कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1/273 इंटू 3 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे Vt इज इक्वल टू वी नॉट 273 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 डिग्री अपॉन 273। यहाँ पर आ गया हमारा रिलेशन। देखिए बहुत ही रिलेटेड इक्वेशन है, 4 स्लो की इक्वेशन है कि Vt जो है फाइनल वॉल्यूम जो है वो कितना है? वी नॉट इंटू 273 प्लस 3 डिग्री अपॉन 273, तो कितना है? यहाँ से देखिए Vt का रिलेशन जो है टेम्परेचर से डायरेक्टली हो रहा है, ठीक है? टेम्परेचर से डायरेक्टली हो रहा है। तो ये एक देखिए, इसको अब हम लास्ट में एक बार फिर से यूज करेंगे, तो आप इसको लर्न रखिएगा। तो इसको फिर से दिखाएंगे कैसे ये इक्वल होगा इसके। तो अब 4 स्लो को हम ग्राफिकली समझते हैं। इस ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो ये है हमारे टेम्परेचर एक्सिस, जिसको हमने टेम्परेचर लिखा है, और ये टेम्परेचर हमने किसमें लिखा है? सेल्सियस। और यहाँ पर हमने लिया है वॉल्यूम, सो वॉल्यूम हमने लिया है डेसीमीटर क्यूब, ठीक है? हम इनको अभी आपको बाद में बताएंगे कि सेल्सियस को हम और टेम्परेचर में लिखेंगे। चलिए इसको पहले समझते हैं कैसे होगा। अब आपने जो हमने देखा है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 273 प्लस 3 डिग्री अपॉन 273, ये वैल्यू है हमारा ग्राफ। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इस अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, सिंपल में लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे अभी हमने किया था वी नॉट प्लस 273 वी नॉट प्लस 3 डिग्री अपॉन 273, तो ये भी हमारा भी था, ठीक है? और यहाँ पर वी नॉट भी साथ में था, तभी हमने वी नॉट कॉमन लिया था, है ना? तो अब इसमें हम स्ट्रेट लाइन मास का इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो
ये स्ट्रेट लाइन हमारी जो है उसमें हमें इंटरसेप्ट दिख रहा है। इसका मतलब है ये पता चल रहा है जो आप मैथ्स में भी करते हैं कि ये जो ग्राफ है ये आपका जीरो से स्टार्ट नहीं होता है ना, ये कुछ इंटरसेप्ट के बाद से स्टार्ट हो रहा है। तो वो कुछ भी इंटरसेप्ट के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो ये कहाँ मीट करेंगे। इसको अगर हम ग्राफिकली भी बनाएंगे, जब हम इसको कैलकुलेशन से साथ बनाएंगे तो ये ऐसा ही आएगा, इन पॉइंट्स को हमें मिलाना। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें यहाँ पर ये प्लॉट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, अप डाउन है, कोई नहीं। तो ये है, तो इसमें आपको क्या पता चला है कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है वॉल्यूम जो है वो इतना पार्ट 1/273 पार्ट ऑफ टी डिग्री इंक्रीज होती है। ये तो है सिंपल सेल्सियस में वॉल्यूम का रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर है सेल्सियस, तो सेल्सियस में हमने वॉल्यूम का रिलेशन लिया है टेम्परेचर के साथ। लेकिन अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें, एक्स्ट्रापोलेट का क्या मतलब है, हम पीछे से इस ग्राफ को बढ़ा दें, इसको पीछे की तरफ लेते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको पीछे की तरफ लेते जाएंगे हमें ये देखना है कहाँ जाके मिलेगा। ठीक है, हम यह नोट कर रहे हैं ये ग्राफ जो है जहाँ पर मिल रहा है इस पर, तो यहाँ पर जाकर जैसे हमने इसको पीछे की तरफ खींचा है, लेकिन ये थ्योरेटिकल हमने ग्राफिकली ही सिर्फ इसको समझ रहे हैं। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो ये जो ग्राफ है ये मीट करता है टेम्परेचर एक्सिस। देखिए टेम्परेचर एक्सिस पर जब मीट कर रहा है, देखिए सेल्सियस में है ये, टेम्परेचर एक्सिस पर मीट कर रहा है। आप समझिए यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, इस पॉइंट पर तो वॉल्यूम जीरो नहीं, ये फिक्स है ना, इस पॉइंट पर वॉल्यूम जीरो नहीं। लेकिन आप देखिए यहाँ से यहाँ ये वॉल्यूम एक्सिस होती है, तो अगर ये पॉइंट है, मैथ्स में आप अच्छे से करते हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो जीरो हो गई है ना, यहाँ पर वॉल्यूम जीरो हो गई। और इसके बाद भी अगर हम करेंगे टेम्परेचर को डिक्रीज तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो है हमने देखा है, ये पॉइंट जो हमने देखा है -200 से -300 के बीच में है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट जो है कितना है, जहां पर जो है वॉल्यूम, अब देखिए इसको समझिए, एट -273.15 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इज जीरो, वॉल्यूम क्या है जीरो है। और आपको पता है प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वॉल्यूम जीरो, ठीक है, तो हम इसके आगे और नहीं करते हैं। तो ये लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है, इस लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू यानी कि ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, दिस इज लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। उसके बाद जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ये देखो यहाँ पर तो जीरो है, उसके बाद अगर आप अगर नीचे जाएगा, ठीक है, तो वो तो नेगेटिव में आ जाएगी वॉल्यूम, नेगेटिव में लेनी नहीं है वॉल्यूम, नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, ये मीनिंगलेस है। तो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या है, इतना, क्योंकि इसके बाद वॉल्यूम हो जाएगी नेगेटिव, आफ्टर दैट वॉल्यूम इज नेगेटिव। सो ये हो गया हमारे लिए मीनिंगलेस, हमें नहीं लेना, तो हमें सिर्फ लेना है हम जो ग्राफ को सिर्फ इतना तक बढ़ा सकते हैं पीछे की तरफ कि जब वॉल्यूम जो है जीरो हो जाए। तो अब यहाँ पर एक हमारे पास टर्म आ गई है, चार स्लो में हमें एक नया टर्म मिली है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसको फाइंड किया गया है, इसको एक्सप्लेन किया केल्विन साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने इसको नाम दिया केल्विन स्केल का। ठीक है, केल्विन स्केल, क्योंकि लॉर्ड केल्विन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो टेम्परेचर है ना इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्यों हम इसको नाम देते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्योंकि इस पर वॉल्यूम क्या है जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। और इसको नाम दिया एब्सोल्यूट जीरो, मतलब इस समय केल्विन एक स्केल निकाला उन्होंने, केल्विन स्केल का मतलब है यहाँ पर केल्विन की वैल्यू जो है वो है जीरो केल्विन। ठीक है, जैसे सेल्सियस होता है जीरो डिग्री, ऐसे उन्होंने इस टेम्परेचर को नाम दिया जीरो केल्विन, सो एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है, केल्विन स्केल में टेम्परेचर की वैल्यू क्या है जीरो केल्विन, सेल्सियस में ये है -273.15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको केल्विन स्केल में कर दिया और वो आ गया जीरो केल्विन।
आपको याद होगा आपने ये कॉन्सेप्ट जो है 9th क्लास में किया है, जहां पर आपने सिर्फ समझा था कैसे हम स्केल सेल्सियस स्केल को केल्विन में चेंज करते हैं। तो आप क्या करते थे, सेल्सियस वैल्यू में 273 ऐड कर देते थे और वो केल्विन बन जाता है ना। तो उसका लॉजिक यही है कि आपने यहाँ पर क्या देखा, 0 केल्विन जो है वो किसके इक्वल है, -273.17। सो केल्विन स्केल को हम थर्मोडायनेमिक स्केल भी कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। -273.15 डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 केल्विन की इक्वल है, ठीक है। इसको कैपिटल के से लिखते हैं, कोई डिग्री का साइन नहीं लगाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। जैसे सेल्सियस में 0 लगाते हैं, डिग्री लगाते हैं, ऐसे केल्विन के साथ कुछ नहीं लगाना आपको, 0 केल्विन, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर सेल्सियस पे 0 केल्विन है तो 0 सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना यहाँ से जाकर, ये हो जाएगा 273.15 केल्विन। और हम इसको सिंपल लिख सकते हैं, सिंपल हम लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है ना। इतना सेल्सियस जो है वो माइनस में है, वहां जाके क्या कर देंगे हम, इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। तो इस तरीके से हम कोई भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर 1 डिग्री सेल्सियस में करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना होगा हमें केल्विन में चेंज करने के लिए, सेल्सियस में चेंज करना है तो सीधा हम क्या करेंगे, सेल्सियस की जगह हम क्या लगा देंगे 273 ऐड, तो वो बन जाएगा हमारा 274 केल्विन, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 1 डिग्री सेल्सियस 274 केल्विन। तो इस तरीके से हम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी अभी हमने जो फॉर्मूला किया था उसको रिवाइज कर को समझते हैं, उसका क्या फॉर्म है। अल्टरनेट फॉर्म हो जाएगी हमारे लिए, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ चार्ज। देखिए अभी हमने किया था Vt इज इक्वल टू वी नॉट 273 प्लस t डिग्री अपॉन 273, है ना। अब क्या कर रहे हैं, देखिए यहीं से आप समझिए, 1 डिग्री है तो इसमें हमने 273 है, टी डिग्री है तो क्या करेंगे, टी में हम क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे और वो क्या आ जाएगा हमारा, केल्विन स्केल आ जाएगा, है ना। केल्विन की कोई भी वैल्यू आ जाएगी ना हमारी, तो टी डिग्री में 273 ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारा, केल्विन। हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे Vt इज इक्वल टू वी नॉट और उसको हम लिख देंगे टी केल्विन, कैपिटल टी दे देंगे, टी केल्विन, ठीक है। टी जो है वो केल्विन में कोई भी वैल्यू आ रही है हम उसको ऐड कर रहे हैं, देख लो 1 है तो 273 ऐड कर दिया, 2 है तो उसमें भी 273 ऐड कर दिया, t डिग्री है तो उसमें भी 273 ऐड कर दिया, और वो स्मॉल t किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल t। तो ये है सेल्सियस में और ये है केल्विन, तो ये डिफरेंस है। तो चार्ल्स लॉ ही एक ऐसा लॉ है जिसमें हमें पता चल रहा है कि हमने सेल्सियस को कन्वर्ट कर दिया है केल्विन स्केल, और आपको पता है केल्विन स्केल जो है वो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, हम केल्विन में मेजर करते हैं टेम्परेचर, ऐसा यूनिट अगर हम करते हैं हम स्टैंडर्ड यूनिट के बाद हम केल्विन को, तो Vt इस 273 प्लस t डिग्री की जगह हमने क्या लिख दिया, कैपिटल t, और ये हो गया 273। और 273 क्या है, 273 का मतलब है हमने ये कौन सा लिया है, t डिग्री लिया है शुरुआत में जो लिया है हमने, t नॉट यानी इनिशियल वैल्यू लीजिए, Vt is equal to V naught t over t, ठीक है ना। ये है कोई भी टेम्परेचर पे, ये 0 डिग्री, 273 कब है, देखिए अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273, है ना। 273 वैल्यू का मतलब है टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि हमें पता वो 0 डिग्री, तो यहाँ पर हम करेंगे Vt over V naught is equal to Tt over T, ठीक है। और हमने क्या सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया V is directly proportional to T, लेकिन किस में है वो, केल्विन। तो सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई हमारी, यहाँ पर वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के इन केल्विन स्केल, ये बहुत जरूरी है, इन केल्विन स्केल होंगी ये प्रोपोर्शनल, सो केल्विन स्केल में। और हम इसको और कैसे लिखते हैं, Vt over T is क्या लिखेंगे, V1 over T1 is equal to V2 over
तो हम ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन न्यूमेरिकल्स जब वॉल्यूम चेंज होती है किसी भी नंबर में तो टेम्परेचर भी उतना ही डबल होगा, यानी कि अगर वॉल्यूम डबल हो रही तो टेम्परेचर भी डबल, या फिर हम अगर टेम्परेचर को हाफ कर देते हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। तो ये है केल्विन स्केल। तो इसकी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इसकी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन हम लिखेंगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है ना, आप हमें कौन सा टेम्परेचर पे लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्योंकि अब टेम्परेचर जो है केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हम बता रहे हैं वो केल्विन स्केल, क्योंकि अगर हम सेल्सियस में लेंगे तो इतना परफेक्ट पार्ट हमें बताना होगा 273 प्लस टी अपॉन 27। आई होप आपको 400 समझ आया है। तो चलिए अब इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। 400 का बहुत आपका डेली लाइफ में यूज होता है ये सिग्निफिकेंस। बच्चे जो है बैलून खरीदते हैं, जो हाइड्रोजन गैस से भरे हुए बैलून खरीदते हैं, तो देखते हैं कि वो गर्म गर्म हवा होती है उसमें, ये बेसिकली हाइड्रोजन गैस होती है, तो क्या देखते हैं कि वो राइज करते हैं, ऊपर उड़ते हैं। तो क्या रीजन है क्यों वो हाई राइज होते हैं, तो देखिए अभी एक बार समझते हैं। वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली है ना। तो अगर सपोज हम ये कहते हैं कि हमने हॉट एयर लिया, हॉट एयर, हॉट एयर का मतलब क्या है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज है। ठीक है, तो अगर हमने हॉट एयर ली है तो टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर, सो देखिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने चार्ज स्लो किया है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यानी कि हम हॉट एयर लेते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बट मास जो है, मास इज फिक्स्ड, मास जो है हमने गैस का चेंज नहीं किया, वो तो वही का वही है ना। यानी कि अगर वॉल्यूम पहले, सपोज फॉर एग्जांपल पहले वॉल्यूम जो है आपकी 1 ml, ठीक है 1 ml वॉल्यूम की, तब भी मास जो था वो सपोज 0.1 ग्राम था। अब वॉल्यूम जो है 1 ml से हो गई है 4 ml, अगर 4 ml हो गई तो मास तो वही का वही है, 0.1 ग्राम ही है ना। ml जो है वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है, और क्यों इंक्रीज हुआ है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो गया है, और वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा वो मास जो है 0.1 ग्राम से वही का वही रहेगा, क्योंकि हमने मास जो है फिक्स रख रखा है और प्रेशर भी फिक्स रखा है चार्ज लो। तो अब देखिए डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा हम न्यूमेरिकली समझा रही हूँ मैं आपको। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन मास तो फिक्स है, मास कम रह गया। देखिए 1:1 की रेशियो, ये वॉल्यूम और मास की रेशियो आप देखें 1:1 कितनी आएगी, लेकिन यहाँ पर रेशियो जो है वो बिगड़ जाएगी। देखिए इसमें रेशियो क्या बनेगी 0.121 और इसमें क्या बनेगी 0.114। आपको क्या लगता है ये जो रेशियो है ये क्या हो गया, इसकी वजह से, ये वैल्यू की वजह से अगर हम दोनों को देखते हैं तो इसकी जो आंसर है, इसका जो डेंसिटी है वो कम आएगी, है ना, तो ये हो जाएगा लेस डेंसर। जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकली समझा दिया, थ्योरेटिकली आप सुनिए एक बार क्या बताएगा थ्योरेटिकली, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि गर्म जो हमने गैस ली है वो तो टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज है, टेम्परेचर इंक्रीज है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ लेकिन मास हमने नहीं बदला, उसी मास के लिए क्या होगा, डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। सेम मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी वॉल्यूम के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम कि मास जो है वो चेंज नहीं हुआ लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया, तो मास और वॉल्यूम का रेशियो तो बदल जाएगा ना, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया, इसलिए डेंसिटी जो है लेस हो। तो डेंसिटी जिसकी कम हो, लेस डेंसर हो, तो वो क्या करते हैं, वो फ्लोट करते, ठीक है, वो राइज करते। इसलिए जो हॉट एयर बैलून्स हैं ये क्या करेंगे, राइज करेंगे, ठीक है, ये ऊपर राइज करेंगे।
क्या रीजन है? इसी रीजन से ही आज जो हम लोग, आप देखते होंगे, जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हम यूज करते हैं हॉट एयर बैलून्स, और ट्रैफिक के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोजन बैलून्स, तो आज किस सिग्निफिकेंस में इंक्रीज है? 400। चलिए, 400 करने के बाद अब हम समझते हैं गे लुसैक लॉ। हमारा 400 क्लियर हो गया। गे लुसैक लॉ जो है उसी के जैसा ही है, उसी पर ही बेस्ड है, लेकिन इसमें क्या रिलेशन है? प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप, प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप सेम तरीके से ही हमें करना है, बिल्कुल वही है, सिर्फ वॉल्यूम की जगह हमने लेना है प्रेशर। इसलिए साथ के साथ हम इसको समझेंगे गे लुसैक लॉ को, क्या इसका स्टेटमेंट है। तो इसमें भी देखिए, प्रेशर जो है, जैसे अभी हमने किया था ना वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट, अब इसमें लेंगे हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर और फिक्स मास ऑफ गैस, फिक्स मास ऑफ गैस, प्रेशर इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 पार्ट ऑफ इट्स प्रेशर by 1 degree rise or fall in temperature। देखिए सेम तरीके की डेफिनेशन है, बस वहां पर हमने वॉल्यूम लिया था, यहाँ हमने प्रेशर लिया। सेम पीटी जो है फाइनल टेम्परेचर रहेगा, वो पीटी जो है फाइनल टेम्परेचर और प्रेशर है, और ऐसे ही पी नॉट जो है वो इनिशियल पर है। तो क्या बताया था हमने, पी नॉट इनिशियल वॉल्यूम प्लस P naught into 1/273 part into T degree Celsius, है ना, इतना rise part। इसको थोड़ा simplify कर लें, PT is equal to P naught हम कॉमन लेंगे 1 plus T degree upon 273। Same का same हमारा आ रहा relation, देखिए PT is equal to P naught 273 plus T degree upon 273। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं PT is equal to P naught, क्या बताया था 273 plus T degree, इसमें आगे capital T यानी कि temperature in Kelvin, absolute temperature, और ये है T naught 273 value। तो अब इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा PT over P naught is equal to P over T, और हम simplify क्या लेंगे, pressure is directly proportional to temperature, क्योंकि क्या आ गया PT जो है वो कांस्टेंट के ऊपर है, तो P upon T जो है कांस्टेंट के ऊपर, तो हमारा ये रिलेशन आ गया। सो इसमें क्या पढ़ा हमने, P प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फॉर फिक्स मास ऑफ गैस, और टेम्परेचर कैसा है केल्विन स्केल का। सो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, कैसे डेफिनेशन होगी इसकी, एट कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड फिक्स मास ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है, हम बता रहे हैं टेम्परेचर जो है वो केल्विन में। सो दिस इज डेफिनेशन फॉर आपका हमारा कौन सा है, गे लुसैक लॉ। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फिक्स मास ऑफ गैस, प्रेशर फॉर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसको अब हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट ले रहे हैं टेम्परेचर केल्विन में, ठीक, केल्विन स्केल में हम टेम्परेचर ले रहे हैं, हमने एक्सट्रापोलेट करके ही दिखाया है, यहाँ से हमने लिया है, तो यहां से स्टार्ट होगा और ये होगा हमारा प्रेशर, प्रेशर हमने लिया है बार। तो हम डिफरेंट वॉल्यूम के लिए लेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स आएंगे, अगर अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं हमारे पास अलग ग्राफ्स आ रहे हैं। देखिए इसमें हमने क्या दिया है, प्रेशर और टेम्परेचर लिया है, हम अगर वॉल्यूम चेंज करते जाते हैं तो ग्राफ का जो कर्व है, जो आपका ये टेंजेंट है, वो डिफरेंट होता जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक और भी ले लिया है हमने, और यहाँ पर इसको, तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये है टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर, इसका मतलब है प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के केल्विन में, ठीक है।
केल्विन में, क्योंकि हमने यहाँ जीरो से स्टार्ट किया है इसको, और क्या कंडीशन है, ये ग्राफ जो है डिफरेंट डिफरेंट क्यों है अलग अलग वॉल्यूम्स का। देखिए ये V1 पर पूरा ऐसा ग्राफ किया गया प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन, तो ये V1 पर है। ऐसा एक और ग्राफ किया ग्रीन कलर का जो हमारा आया है इस पेज पर, तो इसका इसे क्या पता चल रहा है हमें, जैसे हमें ये बताया कि V1 इज ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 एंड ग्रेटर देन V4। तो जितनी ज्यादा वॉल्यूम है ना ग्राफ जो है ना उतना स्टीपी है, उतना ऊपर की तरफ, ठीक है, और जितना जो वॉल्यूम है कम है उतना ग्राफ का जो है वो डाउन में, उसका एंगल उतना ही कम। देखिए इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, आपने यूजली देखा होगा बाइसिकल टायर्स जो होते हैं या ऑटोमोबाइल्स के जो भी टायर्स होते हैं यूजली गर्मियों में, सिग्निफिकेंस देखिए यूजली गर्मियों में क्या होता है ड्यूरिंग समर, तो ये जो बाइसिकल टायर्स कोई भी ऑटोमोबाइल टायर्स जो होते हैं इनमें टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी इंक्रीज, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है जो हमें क्या अचानक से आवाज सुनाई देती है, हमें टायर के फटने की आवाज सुनाई देती है, तो टायर में बर्स्ट। तो ये रीजन क्या है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ऑटोमोबाइल के टायर जो होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं। सो आई होप आपको एयरसाइकिल और चार्ज फ्लो जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिर्फ रिलेशन अलग है, आप लोग से समझ आ रहा है। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ, एवोगैड्रो लॉ। इस लॉ को दिया है इन 1911। चलिए अब नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं एवोगैड्रोस लॉ, वीएन लॉ। वीएन मतलब वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन, और इस लॉ में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन। तो सबसे पहले इन 1811 एमिलियो एवोगैड्रो, एमिलियो एवोगैड्रो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक लॉ दिया है जिसका नाम है एवोगैड्रो लॉ, जो रिलेशन है वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो है एक तरीके से रिलेटेड होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से भी, सो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से भी। चलिए समझते हैं क्या है इसकी स्टेटमेंट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि अगर हमारे पास तीन कंटेनर्स हैं जिनके तीनों के वॉल्यूम जो सेम है तो इसका मतलब है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैसेस के, है ना। या फिर हम कहते हैं कि अगर हमने 10-10 मोल जो है गैस डाली है किसी कंटेनर में तो वो सेम स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगी, है ना, वॉल्यूम जो है वो सेम ऑक्यूपाई करेगी, तो जितना ऑक्यूपाई। सो इसका मतलब है अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर 10 मोल्स हैं तो सारे ही अगर हमने 10 मोल्स लिए हैं, ये भी 10 मोल लिए हैं, तीन कंटेनर्स लिए हैं जिसमें तीनों में हमने 10-10 मोल लिए, तो इसका मतलब है ये जो वॉल्यूम है जितना ये कंटेनर का साइज है तीनों का सेम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि वो उतने ही स्पेस ऑक्यूपाई कर, यानी कि जो गैस है इस पूरे कंटेनर में सेम साइज के कंटेनर में हर जगह फैल जाती है, तो इसको हम ऐसे समझ, ठीक है, इसको डायरेक्टली और हम क्या समझेंगे, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो फिक्स रखना है, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम of given gas is directly proportional to the amount of gas. Amount of gas का मतलब है हम क्या बता रहे हैं moles. So इसका क्या relation आ गया, V is directly proportional to N at constant pressure and temperature. जिसका प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हम लगा सकते हैं के एन, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एन जो है अमाउंट ऑफ गैस, एन है अमाउंट ऑफ गैस और बी है के है प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट। तो इसी लॉ से एक आया है एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट, एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट, एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है, ये वैल्यू है 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स। इसका ये मतलब है कि वन मोल में वन मोल इज इक्वल टू दिस मच पार्टिकल,
अवोगैड्रो नंबर, अमीरियो अवोगैड्रो साइंटिस्ट ने ही इस नंबर को दिया है। तो इसमें आप क्या समझे, इसका मतलब है दैट मींस फॉर वन मोल ऑफ गैस, अगर हम 1 मोल गैस ले रहे हैं तो 1 मोल ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, प्रेशर भी कॉन्स्टेंट है, और मोल जो हमने 1 मोल लिया है तो जो गैस का वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा और फिक्स होगा, विल हैव सेम वॉल्यूम। और उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, मोलर होगी, ठीक है, मोलर वॉल्यूम, उसको हम लिखते हैं बीएमसी। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है एट 0 डिग्री सेल्सियस और 1 मोल गैस, एंड 3 कंडीशंस दे रहे हैं, प्रेशर कितना ले रहे हैं 1 बार, देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल और प्रेशर जो है 1 बार है, तो जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, क्योंकि 1 मोल के लिए गैस के लिए है तो वो मोलर वॉल्यूम है बी एम, और वो भी फिक्स है कॉन्स्टेंट होगी 22.7 लीटर, तो मोलर वॉल्यूम जो है 22.7 लीटर और ये सेम होगी। तो आई होप आपको अवोगैड्रो लॉ भी समझ आया है, और बहुत ही सिंपल वे में इसको हम रिलेशन ग्राफिकली बता सकते हैं, वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मोल्स है, स्ट्रेट जो ग्राफ है वो आएगा, स्ट्रेट ग्राफ आएगा। सो ये हो गया दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो इस तरीके से आपको समझ आया है केलू साइक्लो, चार्ल्स लो एंड अवोगैड्रो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम पढ़ेंगे आइडियल गैस जो होती है इन तीनों लॉ का कंबाइंड। सो उस कंबाइंड फॉर्म को समझने के लिए स्टे ट्यून्ड विद नेलवर अकेडमी। थैंक यू।